हम आज खेलेंगे हेडोस 3D वीडियो गेम, मोबाइल गेम। उसका रिव्यू है, कैसे गेम को खेलना है, क्या उसका UI है, उसका यूजर इंटरफेस है, होम, टूर्नामेंट, प्रोफाइल, सोशल, स्टोर, किट। फिर आप क्विक मैच सेलेक्ट करके मैच खेल सकते हैं। इसमें डिफरेंट इंटरनेशनल टीम्स हैं, आप जो टीम से खेलना चाहें उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैच सेटिंग्स हैं, इसमें पिच टाइप, ओवर्स, डिफ़िकल्टी लेवल, टाइम डे या नाइट में खेलना है। इंडियन स्टेडियम अगर आपको चाहिए तो आपको 5 टोकन्स जो हैं वो स्पेंड करने होंगे, खर्चने होंगे, उसके बाद आप इंडियन स्टेडियम यूज़ कर सकते हैं। फिर ये रूस्टर खुलता है स्क्वाड का, जिसमें पूरा स्क्वाड बताया गया है। इसमें से आप अपने लिए फर्स्ट 11 प्लेइंग 11 चूज़ कर सकते हैं। सबकी स्पेलिंग नेम जो है वो डिफरेंट दी गई है, ताकि गेम में जो प्लेयर्स हैं उनके नाम वैसे नहीं हों। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और हमारा गेम शुरू हो चुका है। ये स्टेडियम है इंडिया का, एरियल व्यू इसका दिखाया गया है। ओहो हो, ताजमहल दिखाया है इतने पास स्टेडियम के, लगता है आगरा के स्टेडियम है ये। बट इंडियन स्टेडियम में सारे जितने मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में, इन्होंने एक ही स्टेटमेंट स्टेडियम के आसपास दिखाने की कोशिश की है। और ये एरियल व्यू है, आप चाहें तो इसके स्किप भी कर सकते हैं, बट हम देखेंगे कैसा लगता है। तो पूरा स्टेडियम का एक बार एरियल व्यू दिखा रहे हैं ड्रोन कैमरे से। ताजमहल इतना पास दिख रहा है, पिच दिखाई है इन्होंने। अब शायद टॉस के लिए जाएंगे और टॉस के लिए रेडी हैं दोनों कैप्टन्स और बीच में कमेंटेटर। और टेल्स हमने चूज़ किया था, टॉस हम हार गए हैं और हम बॉलिंग करेंगे पहले। तो ये आ गए हैं दो बैट्समैन, स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर, जस्ट जो जे बुमराह बॉलर हमने सेलेक्ट किया है। मैच स्टार्ट हो रहा है, 3-2-1। ये पार्ट आप स्किप नहीं कर सकते। और ये ट्यूटोरियल है, ये फील्डिंग मैप है, यहाँ से आप फील्ड चेंज कर सकते हैं, डिलीवरी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप जहाँ बॉल पिच करना चाहते हैं उसको करें। ये फील्डिंग ट्यूटोरियल में बाद में बताऊँगा आपको, पहले हमें डिलीवरी टाइप सेलेक्ट करना है, कौन सी बॉल करानी है, फिर स्विंग कहाँ स्विंग करानी है, फिर स्पीड। और यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई और ये नो बॉल हम कर बैठे हैं, बट सिक्स मारा है पहली बॉल पे बैट्समैन ने, तो ये थोड़ा अजीब तरीका है इनका दिखाने का। ऐसा लग रहा था कि बॉल गेम रुक गया है, बट वो बॉल एलिवेशन में थी और सिक्स पड़ गया है पहली बॉल पे। हमारा गेम प्ले देखने के लिए हमने वीडियो देखना चाह रहे हैं अभी, तो फिर नेक्स्ट बॉल देखते हैं। और ये नेक्स्ट बॉल कराई हमने, फिर ओहो फिर से फोर। बट आप देख सकते हैं इसका गेम प्ले इतना अच्छा नहीं है, बेसिक ग्राफिक्स हमने भी चूज़ कर रखे हैं, फिर अगले स्टेज में आगे जाके ग्राफिक को चेंज करेंगे। तीन मोड है ग्राफिक के, स्टैंडर्ड, डायनेमिक और अल्ट्रा, तीनों मोड पर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले देखिए बैट आगे चला गया, वो बॉल उसके बाद गई, यानी कि थोड़ा ग्राफिक में गेम लूज है। अब हमारी कोशिश है कि हम हिट करें बॉल और विकेट लें। और ये इस बार बिल्कुल सही हुआ, फिर से हमने बॉल जो है वो येलो रीजन में डाली है। येलो स्पॉट दिख रहा है आपको बॉलिंग स्पीड के बारे में, अगर आप उसमें बॉल गिराते हैं तो बैट्समैन आपको रिस्पेक्ट देगा। ये फील्डिंग के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, कीपर एंड पे फेंकना है या बॉलर एंड पे बॉल को हमें फील्ड करके फेंकना है। एक एक्शन था सिंपल बुमराह का, अब आप फील्ड चेंज कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटो मोड्स हैं, मैनुअल करेंगे हम। तीन बॉलर्स के एक्शन हैं इसमें, एक बुमराह का एक्शन जो आप देख चुके हैं, ये सेकंड बॉलर हैं, इनका एक्शन कैसा है देखते हैं। ये कुछ शॉन टेड और कुछ शोएब अख्तर जैसा है, हेलीकॉप्टर शॉट मारा है और ये कैच आउट। सर्कल में जो ग्रीन पार्ट है उसमें आपका अगर कर्जर आप रोकेंगे तो आप कैच ईजीली कर सकते हैं। तो दो एक्शन हैं इसमें बॉलर के, तीसरा भी पेसर हम देखेंगे उसका एक्शन कैसा है, कैसा गेम प्ले है। ईजी है बॉलिंग, इतना ईजी नहीं है, अगर आप थोड़ी सी भी मार्जिन एरर करते हैं तो
आपको रन पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, और जैसे ये सिक्स पड़ा है क्योंकि येलो रीजन के नीचे था काफ़ी, और ये जो नाइट में दिखाता है एलिवेशन में ऐसा लगता है कि बॉल खो गई और वीडियो रुक गया है, गेम हैंग हो गया, बट ऐसा नहीं होता है, लगता है ऐसा ही कि गेम हैंग हो गया है। बीच में कुछ एक्शन भी हैं, वो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप येलो रीजन में बॉल को हिट करेंगे, कर्जर लिमिट की जो स्पीड है उसको वहाँ हिट रोक लेंगे कि, तो आपकी शॉट मारने के चांसेस कम है, आपको कम रन पड़ेंगे उस बार। और फील्ड आप देख चुके हैं, दो ऑप्शन देता है कि बॉलर को या कीपर को। ये इसकी मैं बात कर रहा था, ये एरो से आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर आप वाइट लाइन को रोकते हैं, ये ट्रिक भी है, आप इसको ले सकते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि बैट्समैन सिक्स या फोर नहीं मारता है। और ये तीसरा बॉलर है सीमर, जिसका एक्शन हम देखेंगे कैसा एक्शन है, क्या डिफरेंस है। ये कुछ सिंपल सा एक्शन है, हाई आर्म एक्शन, तो एक साइड आर्म है, बुमराह है, और एक हाई आर्म एक्शन है। ओपोनेंट के बैट्समैन डाइव करते हैं, बट जब आप बैटिंग करेंगे वो डाइव नहीं लगाते, या ऑप्शंस भी नहीं आता डाइव का, तो जब आप रन आउट करना चाहें तो उसमें चांसेस कम है। और ये एक अच्छा मिड विकेट पे फील्डिंग, ये एक क्लोज इन, अगर आप मिड विकेट पे मारते हैं तो वो क्लोज इन फील्डर दिखाता है इसी तरह से। और स्पिनर है, स्पिनर लेग स्पिनर है, सिंपल एक्शन यूजी का। और ये कैच मैन्युअली रहता है, आपको सर्कल आता है, और कभी कभी जब ऐसे क्लोज कैचेस होते हैं जो कि 38 सर्कल में, वो खुद ऑटोमेटिक ले लेता है। और ये यॉर्कर डालेंगे, पर अगर पेस सही नहीं होगा या येलो रीजन से बाहर गए या और फुल पेस पर आपने नहीं डाला, तो सिक्स पड़ेगा। तो ये फर्स्ट इनिंग कम्प्लीट हो चुकी है हमारी, अब हम बैटिंग करेंगे। यहाँ हमें स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बैटिंग शुरू, बैटिंग जो है वो क्वाइट ईजी है, वाइप करके रन बनाने हैं। पहले हम बैट्समैन को सेट कर सकते हैं, बैट्समैन को मूव करा सकते हैं, लॉफ्टेड शॉट खेल सकते हैं, और चाहे तो एक बीस्ट मोड है, वो काफ़ी यूनिक चीज़ है। उसके बाद जिस डायरेक्शन में आपको बॉल खेलनी है आप स्वाइप कर दीजिए, जिस में स्वाइप करेंगे उस डायरेक्शन में शॉट जाएगा। और ये गुड लेंथ टाइमिंग आई है हमने इसको किया, स्प्रिंट कर सकते हैं, स्प्रिंट का ऑप्शन है। हर डिलीवरी के बाद ये रिचार्ज हो जाता है, स्प्रिंट 100% रहता है, एक बार में आप एक बॉल में इसको यूज़ करते हैं तो वो कर सकते हैं। टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, ऊपर लॉफ्ट शॉट खेलेंगे, टाइम अच्छा करेंगे तो रन मिलेंगे। लॉफ्ट आप हर बॉल पे कर सकते हैं, जैसे बॉलर का डिप्रेशन और एंगर वाला सीन भी है इसमें। और ये हेलीकॉप्टर शॉट खेलता है, बट ये शॉट काफ़ी अच्छा था। टाइमिंग आप करेंगे अच्छा तो रन मिलेंगे। टाइमिंग का जो ट्रिक है मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ही बॉल आपका ये ब्लू कर्सर है, नीला गोल गोल, इसमें लैंड करने वाला है जब आप स्वाइप कीजिएगा, तो बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे, परफेक्ट या गुड टाइमिंग आएगी। फास्ट बॉलर है तो उसके लिए आप जैसे ही वो करने वाला हो जस्ट पिच होने से पहले स्वाइप कीजिएगा, और स्पिनर को थोड़ा सा डिले कर दीजिए। जैसे ये फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉल आ रही है, उसको हमने सही टाइम किया था, हेलीकॉप्टर शॉट पे फोर रन मिल गया, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बॉल तेज था। अच्छा टाइम करेंगे तो सिक्स मिलेगा, नहीं तो गुड पे भी फोर मिल जाएगा। जैसे कि ये है, हम जैसे ही बॉल गिरा और हमने स्वाइप कर दिया, स्वाइप करते ही हमें परफेक्ट टाइमिंग मिली और उससे हमें सिक्स मिला। बीस्ट मोड में आप आउट नहीं होते, टाइमिंग का कोई रोल नहीं है, बस शॉट सिलेक्शन का रोल है। बीस्ट मोड अब हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट डिलीवरी में, क्योंकि हमें 95% या 100% चाहिए हमें जब हम रन बनाते जाएंगे, और हमें हमारा जो बीस्ट मोड का मीटर है वो चार्ज होते जब वो 100% हो जाएगा हम उसे यूज़ कर सकते हैं। बीस्ट मोड में हम आउट नहीं होते,
सिर्फ आपको शॉट सिलेक्शन सही रखना है. अगर आप गलत शॉट लेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा. आपने ऐसे भी देखा कि टाइमिंग का इतना रोल है. अभी आगे भी एक शॉट है, उसने अर्ली टाइमिंग पर 20 मिनट पे एक सिक्स मारा है. गुड था तो आपको लगे शायद गुड पे सिक्स चला गया. नहीं देखिए, इस बार थोड़ा सा टाइमिंग नहीं था, पहले था, फिर भी 20 मिनट था, इसलिए आउट ऑफ द स्टेडियम गया है शॉट. गेम प्ले और इम्प्रूव हो सकता है आने वाले अपडेट्स में मे भी, बट अभी जैसा कॉम्पिटिशन से बाकी गेम्स अवेलेबल हैं, तो जिसको अगर कोई हेडन का फैन है, ये गुड मोड पे टाइमिंग पे आउट भी हो जाते हैं. तो लॉफ्टेड शॉट था, नॉर्मल शॉट था, इसलिए आउट हो गया फिर बैट्समैन. और अगर ये बीस्ट मोड होता तो इससे बाकी गेम्स अवेलेबल हैं जो इससे अच्छे हैं. अब हमने चेंज किया ग्राफिक्स को स्टैंडर्ड से अल्ट्रा के लिए. डायनामिक में भी कर सकते हैं, अल्ट्रा में कर सकते हैं, स्टैंडर्ड थे ये, अब हमने अल्ट्रा कर दिए हैं. तो अगेन हमें बीस्ट पोर्ट मिल गया है और हम गेम रिज्यूम करेंगे. बाकी कितने गेम्स हैं, अगर आप हेडन के फ़ैन हैं, हेडन की कॉमेंट्री सुनना चाहते हैं, बैकग्राउंड में आएगी, तो आप खेल सकते हैं. अच्छा गेम है. और देखिए परफेक्ट टाइमिंग रिजल्ट्स बाउंड्रीज में है. आप टाइम परफेक्ट करेंगे तो उसकी ट्रिक वही है, जैसी बॉल कर्जर में गिरने वाला और जैसी बॉल पिच होने वाला आप स्वाइप कर दीजिए फास्ट बॉलर के लिए. स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा लेट कीजिए. और ये बीस्ट मोड ऑन है और ये गारंटीड सिक्स है. गुड पे लास्ट बैट्समैन जो थे वो आउट हो गए थे, बट बीस्ट मोड है इसलिए सिक्स रन्स. ये एक यूनिक फीचर है बीस्ट मोड इसका, जो इसने बाकी गेम्स में नहीं हो. ये पार्ट आप स्किप नहीं कर सकते, ये आपको पूरा देखना पड़ेगा. डग आउट के सीन्स और प्लेयर्स के हैंडशेक, स्किप का ऑप्शन इसमें नहीं आता है. उसके बाद अब आपको मैन ऑफ द मैच भी देखना पड़ेगा अगर आपने उस टाइम स्किप नहीं किया तो. मैन ऑफ द मैच देखना कंपलसरी है क्योंकि स्किप का ऑप्शन नहीं है स्क्रीन पे. और ये मैच खत्म हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप खेल सकते हैं अगर आप हेडन के फैन हैं और गेम प्ले आपको अच्छा लगता है तो.